हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवलिंग भारत पर। बहुत ही कम समय में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो है आगरा की एक और ऐतिहासिक इमारत को लेकर, जिसका नाम लगभग पूरे आगरा को पता है, पर देखने के लिए कुछ ही लोग जाते हैं, क्योंकि टूरिस्ट के लिए उसको प्रमोट नहीं किया जाता और आगरा के लोग भी ज़्यादा नहीं जाते। जाते तो हैं सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर लव कपल। चलिए चलते हैं अकबर टूम सिकंदरा। लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं अकबर टूम सिकंदरा। यहाँ हमको गाड़ी पार्क करनी होगी। गाड़ी पार्क करने के बाद हमको टिकट लेना होगा। टिकट आजकल ऑनलाइन मिल रहा है, जो आपको जो ये QR कोड दिख रहा है, ये ASI का है, इसको आप स्कैन करेंगे, इससे आपको पेमेंट करना होगा। ये फिर ADA का टिकट लेना होगा। दो डिपार्टमेंट की टिकट आपको यहाँ से स्कैन करके लेनी होगी। टिकट समथिंग 25 रुपीज़ की है। टिकट स्कैन कराने के बाद हमको अंदर जाना होगा। चलिए, तो हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट सिकंदरा। और सिकंदरा कम से कम लगभग 500 साल पुराना इमारत है, इसको हम देखेंगे अंदर की ओर। यही एक ऐसा इमारत है जिसमें अकबर की कब्र दफन थी। चलिए अंदर से। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं सिकंदरा अकबर टूम। ये बहुत खूबसूरत गेट है जो सिकंदरे का है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रेड सैंडस्टोन, वाइट मार्बल और येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है। और इसकी खूबसूरती मैं आपको पास जाकर दिखाता हूं। और बहुत ही खूबसूरत गेट है, पूरा गेट इल्ले वर्क से वर्क किया हुआ है इस पर, और वही स्टोन से जो आप रिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं अकबर टूम सिकंदरा। और ये देखिए आप, ये गेट काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। इसमें रेड सैंडस्टोन के ऊपर वाइट मार्बल, येलो सैंडस्टोन, ग्रेनाइट से इले वर्क किया हुआ है और कार्विन वर्क भी है साथ में, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, और साथ के साथ
आप देखेंगे ऊपर डिज़ाइनिंग में स्वास्तिक का डिज़ाइन नज़र आएगा। पूरा फ्लोरिंग का आप डिज़ाइन देखिए, वॉल का, वॉल पे आपको ऐसे लगेगा जैसे कारपेट बिछाया हुआ है। देखिए आप पूरा तरीके से पूरे गेट पर इसी तरीके का डिज़ाइन है, नीचे से लेकर ऊपर तक काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। जब आप देखेंगे तब तो आपको आकर पता चलेगा कितना खूबसूरत गेट ये बना हुआ है। कोविड की वजह से आज थोड़ा पर्यटक टूरिस्ट जो है कम भी है, और सबसे बड़ी बात अगर आप जब यहाँ पर आएँ तो आपको एक दो बात याद रखनी होगी। पहली कि आपको ऑनलाइन टिकट करनी होगी, और दूसरी आपके फेस पर मास्क होना बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते हैं अंदर की ओर, अब हम टिकट चेक कराएंगे फिर चलेंगे अंदर की तरफ। और सुरक्षा के कारणों की वजह से यहाँ का वीडियो नहीं बनाने दिया जाएगा टिकट चेक कराते समय का, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की ओर। अंदर की ओर, और जैसा ताजमहल के अंदर एंट्रेंस गेट है उतना खूबसूरत और उतना बड़ा तो नहीं है, पर ठीक है और पूरा हवादार है। यहाँ आप खड़े होंगे तो आपको गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, अब हम अंदर की ओर जाएंगे तो देखेंगे सामने देखिएगा अकबर टूम, जहाँ अकबर की कब्र दफन है। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। क्वालिटी देखिए इस गेट इसका भी यही वही है। जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे बिल्डिंग पीछे की तरफ जाएगी, और हम पीछे की तरफ आएंगे तो बिल्डिंग आगे की तरफ आएगी। ऐसा ही ताजमहल में है, ये देख सकते हैं आप, बिल्डिंग बिल्कुल पीछे जाएगा। देखिए ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ताजमहल में होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी है। इस तरीके से देखते हैं, जैसे हमने एंट्रेंस करते वक्त वो गेट की ब्यूटी देखी थी, खूबसूरती देखी थी, ठीक उसी प्रकार अब हम इस साइड से भी देखेंगे। क्वालिटी है मुगल मॉन्यूमेंटों की कि वो ज़्यादातर इमारतें सिमेट्रिकल बनाते हैं। जैसा गेट हमने फ्रंट साइड से देखा था ठीक वैसे ही बैक साइड से है। ये देखिए आप, उतना ही खूबसूरत और उसी तरीके का सेम वर्क, आपको लगेगा जैसे कि कार्बन कॉपी करके फिट कर दिया गया। ये देखिए आप, पूरा ऐसे एग्जैक्टली सेम है, कहीं से भी कोई डिफरेंट नहीं है कहीं के वर्क का। ये देखिए आप, तो गाइस ये है अकबर टूम सिकंदरा, और उसके दोनों साइड में ब्यूटीफुल गार्डन है। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, और वैसे ही ठीक राइट साइड में है। और इन गार्डन के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आपको देखने को मिलेगी जब आप सिकंदरा आएँगे, हिरन बारासिंगा भी आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पर। वो आपको मैं अभी थोड़ा क्लोज जाकर दिखाऊंगा कि आप हिरन है या नहीं। तो दोस्तों हम दिखाएंगे आपको हिरन, जब आप सिकंदरा देखने के लिए आएंगे तो यहाँ आपको हिरन काफ़ी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। बारासिंगा भी हैं, हिरन भी हैं। तो ये देखिए सामने हिरन आपको दिख रहे हैं, ये हिरन सब, ये देखिए आप, ये हिरन है। वहाँ गार्डन में जाना किसी को अलाउड नहीं है सुरक्षा कारणों से, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बनाए हुए कानून से हम पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए हम गार्डन में नहीं जाएंगे और दूर से ही इनको रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। साथ में मोर भी हैं, वो मोर काफ़ी दूरी पर है, इस वजह से आपको क्लियर नज़र नहीं आ पाएंगे, पर आप देख सकते हैं यहाँ हिरन आपको क्लियर नज़र आ जाएंगे। एक दोनों काफ़ी अच्छी संख्या में है, और हम चलेंगे अकबर टूम सिकंदरा की ओर, ये अकबर का कवर देखने के लिए। ये यहाँ अंदर, चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों एक बात मैं आपको दिखा दूं, अकबर टूम सिकंदरा के अंदर बहुत ही खूबसूरत जो उन्होंने आज से 500 साल पहले सोची थी वो ये है कि बरसात का पानी एक साथ कहाँ इकट्ठा किया जाए। तो अकबर टूम सिकंदरा के ठीक सामने
ये तालाब बना हुआ है अंदर छोटा सा, जिसे आप पुल भी कह सकते हैं उस टाइम का। और ये गेट के सामने, यहाँ चारों साइड से पानी यहाँ कहीं भी इकट्ठा हुआ करता था, तो पानी को वो इसके अंदर बरसात में जब पानी गिरता था तो वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाता था। और इकट्ठा होने के बाद एक और सिस्टम है जिसे हम वाटर हार्वेस्टिंग, उस टाइम में उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, उसके बारे में आपको दिखा दें कि पानी कहाँ इकट्ठा हुआ करता था और वो पानी ज़मीन में मिल जाए पूरी तरीके से, वो इस गार्डन में छोड़ दिया करते थे इस तरीके से। ये देखिए आप, बगल में सीढ़ियाँ हैं और ये नाली बनी हुई है, यहाँ से पानी नीचे जाता था इस तरीके से। और जंगल में या गार्डन के अंदर, उस टाइम पे जंगल हुआ करता होगा, तो आज ये गार्डन है, तो यहाँ पानी मिल जाया करता था जानवरों को पीने के लिए, एक साफ़ पानी अच्छे से मिल जाए उनको। नीचे सामने आप देख सकते हैं वो हिरण है वहाँ पर, ये देखिए आप, मैं दिखा दूँ, पैर चालू है नहीं? आप मान लीजिए ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ अगरबत्तियाँ जल रही हैं, उसका स्मेल चारों तरफ हो रखा है, अंदर कवर है, शायद वहाँ किसी ने जलाई होगी तो खुशबू यहाँ तक आ रही है। और पूरा आप चारों ओर देखेंगे तो पूरा गोल्डन प्लेटेड तरीके से काम रखा है, काफ़ी खूबसूरत है अंदर से, पर लाइटिंग नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखिए आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, आप ऊपर की ओर, बिल्डिंग काफ़ी पुराना है तो कहीं से झड़ गया है, तो उसको रिपेयर का काम चल रहा है, उसको दोबारा से उसी तरीके का लुक लगाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पहले की तरह दिख सके। चलिए अंदर चलते हैं। ये जो कवर हम देख रहे हैं, यह अकबर द ग्रेट की कवर है, इसको यहीं दफन किया गया था। और ये आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर नीचे लैंप को टांगा गया है, लैंप भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। हम चलते हैं बाहर की ओर, कोई आए उससे पहले, क्योंकि अकबर की कवर का वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं बाहर और भी कब्रें बनी हुई हैं, किस किस की कब्रें हैं देखते हैं। नाम तो वहाँ किसी का नहीं लिखा है, इसलिए हम आपको प्रॉपर नाम नहीं बता पाएंगे कि वह किसकी कब्र है। यह हम आ गए बाहर की ओर। जैसे कि आप सिकंदर के अंदर आएंगे, पहले सा आपको अकबर की कब्र देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको किसी और की कब्र देखने को मिलेगी। उसके लेफ्ट और राइट साइड में करीब करीब 8 से 10 कब्रें हैं अलग अलग जगह। ये मेल कवर है और वो फीमेल कवर है। मुगलों में एक आज होती है, जब वो मेल कवर या फीमेल कवर बनाते हैं तो मेल कवर फीमेल कवर से काफ़ी बड़ी होती है और फीमेल कवर छोटी होती है। वो हम मेन गेट से जब अंदर आए थे, उसके बाद ये लेफ़्ट साइड से आने के बाद का नज़ारा है। अंदर आपने अकबर की कब्र देखी, उसके बाद का नज़ारा है। साथ में कब्र तो यहाँ कईयों की हैं, पर हम
सिकंदरा देखने आए हैं, प्रत्येक व्यक्ति की कबर के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है कौन किसकी कबर थी, पर आप देखिए खूबसूरती देखिए। सामने एक और गेट है, यहाँ से भी लोग घूमने आया करते होंगे उस टाइम में, पर अभी उसको बंद किया हुआ है। ये देखिए आप, अब हम जाएंगे पीछे की ओर, पीछे से देखेंगे कैसा है देखने में, पर पहले चलेंगे इसके थोड़ा अंदर। ये आर्च जो बने हुए हैं, मेहराब जिसे कहते हैं, ऐसा क्या है अंदर की ओर। ये देखिए आप सामने की ओर, आगरा में बेवकूफ़ों की भी कमी नहीं है जो इतनी खूबसूरत इमारतों को खरोच खरोच कर जाते हैं, लिख कर जाएंगे अपना अपने लवर का नाम, जैसे कि वो नाम अमर हो जाएगा। अबे बेवकूफ़ो, ये नाम अमर नहीं होता, ये इससे बिल्डिंग ख़राब करना कहते हैं। तुम्हारे बाप दादा ने तो बिल्डिंग बनाई नहीं, अगर कोई बनाकर भी गया है तो उसको ख़राब क्यों कर रहे हो। दोस्तों ये है आगरा सिकंदरे के अंदर कांच महल, ये भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और इसका डिज़ाइन पूरी राजस्थानी मिट्टी को दर्शाता है। ये रेड सैंडस्टोन और येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है, इसके ऊपर जो कार्विन वर्क हो रखा है वो बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में है, जो राजस्थान की आप जाएंगे या इमारतों पर देखेंगे बिल्डिंगों पर वही डिज़ाइन यहाँ बनाया हुआ है। हिंदू मुस्लिम और इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर की बात करें तो परफेक्ट उसी टाइप का डिज़ाइन है। और इसके अंदर से ये कैसा देखने को मिलता है, इसको चलते हैं अंदर की ओर देखने के लिए। ये देखिए आप, ये भारतीय कला है जो अब से नहीं सदियों से हैं, मार्बल को अंदर से इंग्रेविंग करके इसको कार्विंग किया गया है। ये करीब करीब 2 इंच अंदर की ओर से काटा गया है खोद कर। ये देखिए आप खूबसूरती देखिए आप इनकी। लीजिए अब आ गए हम अंदर, ये पूरा हवा महल की तरीके से बना हुआ है, कांच महल बाहर नाम है, या ऐसा हो सकता है कि उस टाइम में राजा महाराजाओं का ये कमरा हुआ करता होगा या महारानियों का, यहाँ वो आकर अपना मेकअप किया करते होंगे, तो शायद इसको ही कांच महल का नाम दे दिया गया होगा। ये छोटे छोटे मेहराब और आले बने हुए हैं, ये देखिए आप। इसका फ्रंट साइड था कांच महल का और उतना ही बदसूरत बैक साइड से है कांच महल का, ये आप देख सकते हैं। और कांच महल के ठीक सामने है लोधी का मकबरा, तो ये है लोधी का मकबरा सामने, और हम चलेंगे लोधी के मकबरे में अंदर जाने के लिए, देखते हैं अंदर से कैसा है। अभी तो हाल फिलहाल खंडर टाइप का नज़र आ रहा है, देखते हैं अंदर से कैसा होगा और कैसा नहीं है। चलिए अंदर हम लोधी महल के अंदर की ओर जाएंगे देखने के लिए। ये पूरा खंडर पड़ा हुआ है लोधी महल, लोधी का मकबरा सॉरी, पर कबर तो मुझे यहाँ किसी की नज़र आ नहीं रही है, तो ये लोधी का मकबरा कैसे हो गया, यहाँ कोई भी कबर नहीं है, सब खंडर है। ये देख सकते हैं पूरा खंडर है। दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको नई नई वीडियो दिखाने का मौका भी मिलेगा। धन्यवाद।